हर स्टैन आई एम रंजीत सिंह सॉरी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट थ्री वीडियो पार्ट थ्री मिक्स बेस क्लास एट मैथ चैप्टर 10. तो टुडे वी सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 12. इसके पहले के वीडियो हमने दो वीडियो बना रखा है इसका, तो अभी हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 75. व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल पूछ रहा है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है 75 रुपीज़. यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 75 रुपीज़. और टाइम दिया है 2 years का और रेट दिया है 5%. 5% रेट दिया है. ठीक है, व्हाट इज द सम यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है. तो हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल बी, इसको प्रिंसिपल मान लीजिए एक्स रुपीज़ हो गया. तो इसको जो है सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है. तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. प्रिंसिपल हमने एक्स मान लिया है, आर इक्वल टू 5%, टाइम इक्वल टू 2 years अपॉन 100. तो 5 2 10, 0 2 10 20, यानी एक्स अपॉन 10. ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 2 years का. तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी पी इंटू 1 + r/100 होल पावर टी माइनस 1. इस फार्मूला से लगाएंगे तो पी यानी एक्स 1 + रेट आपका 5% ही है, टाइम 2 years के लिए ही है, और माइनस 1, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20. तो एक्स 21 अपॉन 20 होल पावर 2 माइनस 1. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो इसको ये देख लेते हैं, एक्स को इधर ही रहने देते हैं. 21 का वो स्क्वायर करेंगे तो 441, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1. इसको 1 कर लेते हैं तो इसका एलसीएम हम निकालें तो 400 ही होगा. तो 441 हो जाएगा 1 जा माइनस इस 1 से 1, 400 बार कटेगा. यानी एक्स में 41 अपॉन 400. ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 41x/400. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 75 है. सी आई इक्वल टू हो गया 41x/400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला यहाँ पर एक्स अपॉन 10. दोनों का डिफरेंस 75 है. सॉरी, इन दोनों का एलसीएम 400 ही होगा तो 41x ही होगा माइनस 10 से 0 0 फिर 40x. तो यानी यहाँ पर हो गया एक्स 41x में से 40x निकल गया तो एक्स इक्वल टू 400 को इधर भेज देते हैं. तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 0 पहले रहते 4 5 20 28 30
30,000, यानी पी एक्स बराबर क्या था, पी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 30,000। इसका आंसर हमारे प्रिंसिपल जो है 1,25,877 तो पी और ए दिया है, टाइम दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, पी इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 9 is 1,25,000. A is 1,48,877. Time is 1.5 years. ठीक है, तो इसको जो रेट को ऐसे भी 2×2 = 3, यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो रेट हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट रेट, तो रेट आर ही मारते हैं और हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली के लिए जो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ ईयरली और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट जो होता है वो आधा हो जाता है। तो रेट मान लीजिए आर है, तो उसको हाफ हो गया, टाइम 3/2 year है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2×2 = 3 years हो गया। हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब हम यह लगाते हैं ए इज इक्वल टू P(1+R/100)T। E = given आपका 1,48,877 P = 1,25,000। 1+R रेट निकालना ही है, तो R/2 है अपन 100, होल पावर टाइम क्या है 3। ये हो गया, ट्रांसपोज अब करेंगे इसको, तो 14777 और 1,25,000 यहाँ आ जाएगा, = 200 हो जाएगा। 1+R/200³। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 1,48,877 / 1,25,000 = दोनों का से अगर 1 निकाले तो 200 बन जा, 200+R/200³। 1/3 हो गया, अब जो है इसको जो है हमें जो है इसको भी हमको इसी के पावर 3 के रूप में लाना है, और 3 के रूप में लाएंगे तो हम ये हमको मालूम है 5×5=125, यानी 50 का क्यूब यह है, 50 का क्यूब यह है। तो इसके हिसाब से जब हम इसको निकाले हैं तो 53 का क्यूब यह है, ये हमें निकालना पड़ा पहले से। तो ये जो क्यूब है 53 का, और ये 5×5=125, तो 5 और 3 0 में से 1 0 ले लिए, तो ये इसका क्यूब हो गया, = 200+R/200³। अब पावर सेम हो गया, ठीक है, तो पावर सेम हो गया, तो पावर हो गया फिनिश इसमें। अब आ जाता है, हम इसको सॉल्व करेंगे,
तो 53 और ये 200 को इधर ले आ देते हैं अपन 50 इज इक्वल टू 200 प्लस आर, ये फिनिश हो गया 54 जा, और ये 53 जा 15, 54 जा 45 जा 20, सॉरी 43 जा 12 होगा ना, 12 45 जा 20 21, और 200 को इधर लाएंगे माइनस आर, यानी 12% कितना आएगा रेट 12%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम देखते हैं क्या करा है। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट 8,820 इन 1 year व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है हाफ ईयरली 1 year के लिए और रेट दिया है 10%। तो सबसे पहले हम ये जो है नोट कर करते हैं, अमाउंट 8,820 है। सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 1 year और रेट इज इक्वल टू 10%, कंपाउंड हाफ ईयरली है, कंपाउंड हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है हाफ ईयरली, तो इसमें रेट जो होता है हाफ हो जाता है और टाइम जो है दो गुना हो जाता है, 1 into 2 यानी 2 years। अब हम इसका निकालते हैं, एच इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल पावर टी। प्रिंसिपल तो हमें निकालना है, तो पी ही रख देते हैं, अमाउंट हमको मालूम ही है 8,820 रुपीज़, 1 प्लस रेट है 5%, रेट कितना हमारा निकला है 5% अपन 100 होल पावर टाइम इज इक्वल टू 2, 5 × 5 = 10, 20। तो 8,820 इज इक्वल टू पी इंटू 21 × 20 प्लस 1 21 / 20 होल पावर 2। जो है ट्रांसपोज करेंगे तो 8820 ये इधर आ जाएगा नीचे की साइड में, 21 × 21 टू टाइम और 20 ऊपर चला जाएगा, केवल हमारा पी साइड में रहेगा। ठीक है, अब जो है 7 3 जा काटते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 1 और 8 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 और 2 42 है, 7 6 जा 42 0। ठीक है, अब जो है इसे काटा जा सकता है, 3 से ही काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0, 21 दूरी पे 40 0, 20 20 20 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 0, प्रिंसिपल क्या हो गया 8,000। प्रिंसिपल
पर हमारा 8000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर हाफ 1.5 ईयर्स यील्ड 26.25 मोर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन व्हेन कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द सम, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो रेट दिया है, रेट है 10%, टाइम दे दिया है 1.5 ईयर्स, तो प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल बी पी मान लेते हैं, ठीक है। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, इसमें भी क्या दिया है, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, अच्छा दोनों का डिफरेंस इतना दे दिया है, यानी हाँ एनुअली है और फिर कंपाउंडेड, अच्छा दोनों एनुअली और हाफ ईयरली दोनों निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, व्हेन डेट एनुअली, एनुअली जब निकालेंगे तो एज इट इज पी इंटू 1+R/100 होल पावर टी, ठीक है। अब जो है चूँकि 1.5 ईयर्स के लिए है तो इसको लगाते हैं, पी की जगह पर प्रिंसिपल पी ही हमने मान लिया है, 1+R=10% है 10% upon 100 और टाइम है 1.5 ईयर के लिए है, तो 1 ईयर के लिए लिया हो गया, हाफ के लिए 1+10×0.5/100। ठीक है, 2×1=2, 2×5=10, 5×5=5, 2×10=0, 1000 ये हो गया। तो ये हो गया पी इंटू 10×10+1 11/10 और इसमें 20×20 और 1 21/20। अभी लग रहा है पेन फिनिश हो गया क्या ऐसे, ठीक है। तो अब इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 21×21, 22×123 P/20, 200 ये हो गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारा यह हो गया 231P/200 माइनस प्रिंसिपल, हमने P माना है तो दोनों कैल्शियम अगर मान लें 200, तो 231P-200P=31P/200, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, हमने किया है एनुअली। अब इसी चीज़ को हाफ ईयरली हमने कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, एक मिनट पेन सही नहीं चल रहा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% रेट है वो 10/2 यानी 5% हो जाएगा, और टाइम जो है 1.5 यानी 2×2 3 3/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फिनिश हो गया,
3 ईयर्स। ठीक, अब जो है ए इक्वल टू, या सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई इक्वल टू पी, पी यानी प्रिंसिपल हमने ले लिया हुआ नहीं है, पी है 1 प्लस रेट है 5% होल पर टाइम इक्वल टू 3 माइनस 1, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20, यानी पी 21 अपॉन 20 होल पावर 3 माइनस 1, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम पी इंटू 21 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा आएगा 21 का क्यूब जो है 9261 अपॉन 20 का 2 4 जाए 2 3 जाए 8, इतना माइनस 1 1 को एक। ठीक है, तो अब हम जो है इन दोनों कैल्शियम 8000 ही आएगा, तो 8000 आएगा तो पी तो ब्रैकेट में रहेगा ही, 9261 माइनस 8000 इक्वल टू 1261 अपॉन 8000 पी। इसका पी जो है, ठीक है, अब ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया हाफ ईयरली, इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है वह 26.25 मोर, यानी ये किससे ज़्यादा है, तो चलिए इसको लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1261 पी अपान 8000 माइनस, इसका हमने क्या निकाला था एनुअली, ये था 31 पी अपॉन 200 इक्वल टू कितने का डिफरेंस आ रहा है 26.25। ठीक है, इन दोनों कैल्शियम जो हम निकालेंगे जाएगा तो 8000 और उसका तो 8000 ही आएगा, और 8000 आएगा तो 8000 से 8000 कट गया तो 1261 पी माइनस 200 से डिवाइड करेंगे इसको 8000 को, तो 0 करेंगे 2 4 जा 40 हो जाएगा, 40 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 पी सही है ना। यही आना चाहिए। यहाँ देखिए 200 से डिवाइड किया 31 पी आया, तो 31 पी में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 से 2 को, तो 2 4 जा 84 तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, पी अब इसको मान, अब इसको क्या करेंगे हम, 40 है ना, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, अब ये इसमें से माइनस करेंगे इक्वल टू 26.25 देखेंगे ही, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 पी अपॉन 8000 इक्वल टू 26.25। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 21 पी इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से, तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया है 21000। ठीक है, तो पी इक्वल टू 21000 अपॉन 21 से 21 एक बार में फिनिश हो गया, यानी प्रिंसिपल इक्वल टू आ जाएगा 10000। दिस इज द प्रिंसिपल।
तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये आ गया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।